रखा मेरी वक्खी तो उन्हें आख्या तू बोलेंगी तो असं तेन उत्थे ना कतल कर देंगे। अगे अंबाले बाग दे विच लै के गए ने उत्थे मैनूं लम्मा लटाया अंसर ने मेरे नाल जाती की है, दूसरे ने मेरे बाजूआं दे उत्ते पैर रखे ने, एक पिस्टल लैके गड्डी कोल खड़ा रहा। किहड़ी जगह ते लैके गए ने? ओह जगह रफी टोन कसूर दे विच। हां जी रफी टोन। किन्नी देर तक दोनों जाती करदे रहे? मेरे नाल 20-25 मिनट होंदी रही जाती। किन्ने लोग सी? तीन जने सी। जाती मेरे एक नाल ही कीती है। उठो मैं कीती सी पुलिस नूं कॉल, पुलिस चार गड्डियां आईयां, चारा ने मेरा तस्वीरां तस्वूरां लाईयां। रियो वाले बड़े फटे सी या वैस तरह फटे सी? सब कुछ होया सी। अच्छा ठीक है। उठो फिर मैनूं सदर थाने राती 3 बजे लैके आए ने। थाना सदर की हदूद में पेश आया एक ऐसा दिल खराज वाक्या। बेवा औरत अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर से मेहनत मजदूरी करने के लिए निकली तो 3 जालमों ने इसकी इज्जत लूट ली। वन पॉइंट पर पहले बेवा औरत को अगवा किया, उसके बाद उसके साथ बदफेली करते रहे। उसने 15 पे कॉल की तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाकी की कहानी जानते हैं, वो कौन लोग थे जिन्होंने साथ बदफेली की और ये सारा वाक्या किस तरह से हुआ और पुलिस इनके साथ क्या तामन कर रही है, और सारी कहानी जानते हैं मदई मुकदमा की। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 टीवी के साथ मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। नादरीन मेरे साथ हलीमा भाई भी मौजूद है, जिसका ये कहना है कि 3 लोगों ने इसके साथ ज्यादती की है, जिसका मुकदमा जो है वो थाना सदर के अंदर दर्ज हो चुका है, FIR भी दर्ज हो गई है। इनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस कहानी के पीछे असल हकीकत क्या है, कौन लोग थे और किस तरह से इनके साथ जो है वो ज्यादती हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ। मुझे ये बताएं कि जो आपने FIR करवाई है थाना सदर के अंदर, जो आपकी FIR दर्ज हुई है, कौन लोग थे जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की है, किस तरह से ये सारा वाक्या हुआ है? भाई मैं अस्पताल दवाई लैन आई सी ललियानी, एक उत्थे आंटी बैठी सी, ठीक है, आंटी के नाल अंसर बैठा सी, एक उन्दे नाल होर मुंडा सी, ठीक है। मैं आंटी नूं आख्या आंटी मैनूं काम दो करां दा लभ दे। आंटी ने मैनूं गल कीती कि अंसर बोलिया, उन्हें आख्या साढ़े दो करां दा काम है। आंटी ने आख्या मेरी जिम्मेदारी है तू चली जा। मैं आंटी आप चारे जने चले जाने मोटरसाइकिल, आंटी ने आख्या चारे कोल नहीं बैठा, तुसीं तिन्ने चले जाओ, मैं जिम्मेदारी। मैं आख्या ठीक हो गया। वह मैंने पुराने लारी अड्डे एक नंबर गली च लैके गए ने, उतों लैके आई निकल के आए ने अंबाले बाग वाली साइड से, ठीक है। उत्थे जो आए ने उन्होंने तीसरा बंदा डलिया, उन्हें कोल पिस्टल है, उन्हें पिस्टल विचकारले मुंडे ने फड़ाया, ठीक है, उन्हें फड़ा के मेरी वक्खी तरह। मोटरसाइकिल ते तुसी उन्हां दे नाल बैठ के गए हो, जिहड़े लड़के उत्थे मौजूद सी जी? किन्ने लोग सी? ओ तीन सी। तीन सी, ठीक है। एक ही बाइक ते गए तुसी? नहीं, दो बाइक आंदे सी, दो गड्डियां सी, ठीक है। उन्हें पिस्टल रख्या मेरी वक्खी ते, उन्हें आख्या तू बोलेंगी तो असं तेन उत्थे ना कतल कर देंगे। अगे अंबाले बाग दे विच लै के गए ने, उत्थे मैनूं लम्मा लटाया अंसर ने मेरे नाल जाती की है, दूसरे ने मेरे बाजूआं दे उत्ते पैर रखे ने, एक पिस्टल लैके गड्डी कोल खड़ा रहा। किहड़ी जगह ते लैके गए ने? ओ जगह रफी टोन कसूर दे विच। हां जी रफी टोन। किन्नी देर तक दोनों जाती करदे रहे? मेरे नाल 20-25 मिनट होंदी रही जाती। किन्ने लोग सी? तीन जने सी। जाती मेरे एक नाल ही कीती है। एक बंदे ने दोनों जाती की जी? एक ने कीती है। एक कोल उन्होंने, एक ने मेरे पैर आ बाजूआं दे उत्ते पैर रखे, एक पिस्टल लैके खड़ा रहा, ठीक है। उतों मैं कीती सी पुलिस नूं कॉल, पुलिस चार गड्डियां आईयां, चारा ने मेरा तस्वीरां तस्वूरां लाईयां। रियो वाले बड़े फटे सी या वैस तरह फटे सी? सब कुछ होया सी। अच्छा ठीक है। उतों फिर मैंने सदर थाने राती 3 बजे लैके आए ने, उत्थे ना मेरा FIR कराई, सारा कुछ किया, परचा पुरचा कटाया। ये कहना है कि मैं हॉस्पिटल में गई हूँ मेडिसिन लेने के लिए, वहाँ पे मुझे एक आंटी मिली है जिसे मैंने कहा था कि मुझे काम चाहिए, यानी कि मैं किसी के घर में काम करना चाहती हूँ, और उस आंटी ने इनको 3 बंदों के साथ भेजा है कि उन्होंने, उनका ये कहना था कि हमारी कोठियाँ हैं, आप वहाँ पे काम कर सकती हैं। इनके बकौल ये है कि वो जब वहाँ से निकले हॉस्पिटल से, तो उन्होंने गन पॉइंट पे, इनको एक बाग था जहाँ पे लेके गए हैं, और उनमें से एक बंदा जो है उसने इनके साथ ज्यादती की और बाकी जो बंदे थे उन्होंने इनको पकड़ के रखा है। मुझे ये बताओ, ऐसी तो कपड़े कली शलवार तारी से कमीज नहीं तारी। बाकी जो दो लोग थे उन्होंने आपके हाथ और बाजू पकड़े थे? हाँ जी, बाजुआ तो पैर रखे से, मुँह तो हाथ रखे से। मेरी SHO साहब से और DPO कसूर से गुजारिश है कि अगर इस मामले में सच्चाई है तो उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और निशाने इबरत बनाना चाहिए, ताकि इस तरह से किसी और के साथ ज्यादती ना हो। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV अलानी के बाद।